बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साजिद फारूक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टू टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे पे हैं और आज उन्होंने बड़ा मसरूफ दिन गुजारा। तुर्की की जो कारोबारी शख्सियात हैं उनके साथ मुलाकातें हुई, लेकिन इस मौके पर बड़ा सख्त किस्म की एम्बेरसमेंट भी जो है वो फील हुई पाकिस्तान के वफ़ को, जब तुर्की की जो कंपनियां हैं, ख़ासतौर पर अल बैराक कंपनी जो है उसके जो सरबराह हैं, सदर हैं अहमद अल बैराक, उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात में शिकवा किया कि साबिक हुकूमत के दौर में उनकी कंपनी की साख को नुकसान पहुंचाया गया, उस पर पाकिस्तान छोड़ने के लिए दबाव डाला गया और इसके वर्कर्स को बिला वजह गिरफ्तार करके जेल में रखने के साथ साथ उन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए। और जब अहमद अल बैराक ये बातें कर रहे थे तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़ के अरकान जो है उन्होंने एक तरह से एम्बेरसमेंट भी इस लिहाज से फील की कि पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है रोकने के लिए इस तरह के इकदाम किए गए और इस तरह की रुकावटें डालेंगे सरमायाकारों के रास्ते में। वज़ीर आज़म ने इस पर दुख और अफसोस का इजहार भी किया और कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी रोकने की ये एक मजमून साजिश की गई साबिक हुकूमत के दौर में और गुज़श्ता हुकूमत ने पिछली हुकूमतों के तमाम मंसूबों को सियासी दुश्मनी में तबाह किया। उन्होंने तुर्की की जो सरमायाकार हैं उन्हें मुतमैन करने की पूरी कोशिश की और उन्हें यकीन दिलाया कि जो सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान में दोबारा आएँ, तुर्की कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, मौजूदा हुकूमत उनकी शिकायत का भी अजाला करेगी और इसके साथ साथ उन्हें साजगार माहौल भी फराहम करेगी। बहरहाल जो जिन कंपनियों के सरबराहान ने आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की वो बड़े मुतमईन नज़र आए। इन मुलाकातों में वफाकी वज़ीर सैयद नवीद कमर, वफाकी वज़ीर सरमायाकारी चौधरी सालिक हुसैन और वज़ीर-ए-आज़म के वफ़ के दीगर अरकान भी मौजूद थे। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म ने जो तुर्क सरमायाकार हैं उन्हें भरपूर जो है एतमाद में लिया तरीके से और उन्हें बताया कि वो पाकिस्तान में जो है आएँ, सरमायाकारी करें और पाकिस्तान में उन्हें साजगार माहौल मिलेगा, मौजूदा हुकूमत उन्हें हर तरह की सहूलियात देगी और उनके जो कंपनियां हैं वो पाकिस्तान में आज़ादाना तरीके से सरमायाकारी कर सकेंगी, जिसके बाद तुर्क कंपनियों ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो मंसूबे हैं उनमें गहरी दिलचस्पी का इजहार किया।